तस्वीरें बहादुरगढ़ की हैं, जहां जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा करोड़ों रुपए का तैयार माल जलकर राख हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आग के कारण गोदाम के भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। हादसा बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 1 में स्थित मोजा फुटवेयर के गोदाम में हुआ है। आज यहाँ बेलको फार्मा वाली गली में एक फैक्ट्री में आग लगी और जिस आग की वजह से दूसरा एक जूतों चप्पल का गोदाम था वो आग उसने वहाँ पकड़ ली। जहाँ पहले आग लगी थी वो बुझ चुकी है, अब जिसमें बीच में आग लगी थी वो उसमें अभी भी आग लगी हुई है। हालांकि उससे अगली वाली फैक्ट्री को बचा लिया गया है, लेकिन जान का कोई नुकसान नहीं है। माल मेरे हिसाब से सारा जो जूते का गोदाम वाला था वो सारा जीरो। फैक्ट्री किस चीज़ की थी, क्या बनाती थी वो? फैक्ट्री नहीं थी, ये गोदाम था जी, जिसमें बीच में आग लगी है और बराबर वाली फैक्ट्री की आज इसमें आग लगी है, जिसकी वजह से जूतों चप्पल के स्टॉक में आग लग गई है। पूरा वो पूरा जीरो लग रहा था जो पहले वो भी निवार जूते चप्पल वाली है जी, वो भी वो, लेकिन फैक्ट्री है ये गोदाम। अच्छा, किस नाम से फैक्ट्री, किस नाम जिसमें अभी आग लगी हुई है वो मोजा फुटवेयर के नाम से है। और जहाँ चालू हुई वो भी पता करूंगा मैं, क्योंकि हम पहले इसको आग को बुझाने में लगे हुए। गोदाम के अंदर रबड़ से बने जूते और चप्पल होने के कारण आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गोदाम में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।